स्वागत है आपका लर्न एंड ग्रो चैनल में। ये वीडियो है AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के बारे में। इसमें हम एक सॉल्व एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैटलॉगिंग कैसे किया जाता है। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन या फिर असाइनमेंट प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो इस वीडियो में जो कंटेंट रहने वाला है वो रहेगा AACR2, व्हाट इज़ कैटलॉगिंग, क्या होती है बहुत ही शॉर्ट में, और एक डिटेल्ड एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन। तो हम बात करें AACR2 की, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल जो टू जो है वो पहला पब्लिश हुआ था पहली बार 1978 में। ये दो पार्ट और चार अपेंडिसिस में डिवाइडेड है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है जो हर वीडियो में एग्जांपल में मैं डाल देता हूँ ताकि आपकी जानकारी अपडेट रहे। और ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं, यानी कि डिटेल्ड में रूल दिए गए हैं कि कैटलॉगिंग की एंट्रीज हैं किस प्रकार से तैयार करनी है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि हैडिंग या फिर ये सब चीज़ें जो है, हैडिंग है, एंट्रीज हैं, ये किस प्रकार से रखनी है, कौन सी चॉइसेस रहती हैं और किस हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। अपेंडिसिस में क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैपिटलाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, यानी कि जो AACR2 का जो अपेंडिसिस वाला पार्ट है उसमें कौन सा लेटर कैपिटल रहेगा, किसको कैपिटल किसको स्मॉल फॉर्म में लिखना है, और एब्रीविएशन की लिस्ट है इसमें, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसमें किसका स्टैंडर्ड एब्रीविएशन क्या रहेगा, ये सब हमें अपेंडिसिस में पता चलता है। आगे बढ़े तो हम बात करें कैटलॉगिंग की सबसे सरल परिभाषा जो हो सकती है वो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्रीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जो एंट्री बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम लाइब्रेरी की दुनिया में एंट्री कैटलॉगिंग कहते हैं। इट इज़ एन आर्ट बाई विच वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी, ये कला है जिससे जिसकी मदद से हम लोग को हर प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है उसके उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें। तो आज जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एक क्वेश्चन रहेगा, वो दो फॉर्मेट में आ सकता है जैसा कि हमने पहले वीडियोस डाले हैं इसमें AACR2 में आप देख सकते हैं। या तो हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में प्रिंट हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रीडिंग्स इन गाइडेंस ऐसा एक बुक का फ्रंट पेज टाइप लिखा हुआ है और कुछ नाम लिखे हुए हैं, नीचे डिटेल्स हैं और अदर इन्फो करके, जैसे कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेजेस साइज और सीरीज, ये सारी डिटेल आपको अगर दी जाए और बोला जाए कि आप इसका कैटलॉगिंग करिए AACR2 की मदद से। अब ये फॉर्मेट वन हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, रीडिंग्स इन गाइडेंस कॉमा जॉन डॉट ई डॉट बारके कॉमा जेम्स ए डॉट हैंस कॉमा जेम्स एल डॉट माल्था कॉमा सेकेंड एडिशन कॉमा हॉल्ट कॉमा राइनहार्ट एंड विंस्टन न्यूयॉर्क शिकागो लंदन कॉल नंबर एक्सेशन, ये सारी डिटेल जो है ऐसी आपको एक लाइन सीक्वेंस में दी गई हैं। अब दोनों ही फॉर्मेट में क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा डिटेल क्या लिखा हुआ है। वैसे सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहता है, यानी कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कौन सा एंट्री किस प्रकार से दिया गया है। अब इसका हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वीडियो की लेंथ हम लोग छोटी रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो देखते हैं इसका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल जो टू है उसके हिसाब से एंट्रीज कैसे बनेंगी। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप AACR का पार्ट वन पार्ट टू वीडियो जरूर देखें जिसमें बेसिक्स भी कवर किए गए हैं। तो हम बात करें मेन एंट्री की, तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट कैसा होता है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, इसकी हम लंबाई की बात करें तो 5 इंच है और इसका विड्थ जो है वो 3 इंच का रहता है। ऑथर का सरनेम, फोर नेम, पहला नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो है, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं। ये पहले वीडियोस में कवर है जस्ट आपकी रिवीजन के लिए ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं। क्लास नंबर, बुक नंबर हम लेफ्ट टॉप में लिखते हैं, उसके बाद ये सारी जो मेन डिटेल्स हैं एंट्रीज की, जैसे टाइटल है या कोई और पैरेलल टाइटल है, सब टाइटल, पहली स्टेटमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके बाद एडिशन लिखते हैं इसमें, फर्स्ट प्लेस पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें, और पेज नंबर वगैरह डिटेल्स उसके जस्ट नीचे वाले में, एक्सेशन नंबर यहाँ पे, नोट्स, ISBN, ट्रेसिंग। ये हमारा एक आइडियल जो है फॉर्मेट दिया है कैटलॉग कार्ड का कैसा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहला बनाने जा रहे हैं इसमें जो है मेन एंट्री। मेन एंट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इसमें रहती हैं। बेसिकली आप AACR2 का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें यही है कि कौन सी डिटेल
जो भी टाइटल का डिटेल दिया गया है, कौन सी एंट्री कहाँ पे बनेगी और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, यानी कि कहाँ कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ कौन सी चीज़ पहले लगानी है, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका स्कोरिंग जो अच्छा रहेगा, एग्जामिनेशन हो कोई या फिर आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो तो। देखिए जो टाइटल दिया गया था उसके हिसाब से हम आगे बढ़ें, तो बार्के जॉन ई, तो जो हमने राइटर का नाम लिखा है, जो पहले राइटर हैं इसमें, हालांकि इसमें तीन राइटर के नाम लिखे हुए हैं कोई सीक्वेंस, लेकिन मेन राइटर कुछ नहीं बताया गया है, तो हमने फर्स्ट को ही लिखा बार्के कॉमा जॉन ई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे T9Y4P15, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसके आंसर को आप रिविजन में देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमने जो टाइटल है, सेकेंड लाइन ऑफ इंडेंशन से शुरू किया, रीडिंग्स इन गाइडेंस, उसके बाद स्लैश लगता है, फिर हमारा आएगा जैसे तीन राइटर दिए हैं तो तीनों के नाम आएंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसमें नाम को डायरेक्ट लिखना है, जॉन डॉट ई डॉट बारके कॉमा जेम्स ए डॉट हैंस एंड जेम्स एल डॉट माल्था। उसके बाद हम एडिशन का जब डिटेल डालते हैं तो हम एक डॉट लगाते हैं और एक हाइफन, आप देख पा रहे होंगे, फिर सेकेंड एडिशन, उसके बाद हाइफन है, उसके बाद जो प्लेस है न्यूयॉर्क, उसके बाद कॉलन का सिंबल है हॉल्ट राइनहार्ट एंड विंस्टन, और ये जो सी लिखा है स्मॉल में कॉपीराइट 2015, ये सारी डिटेल दी गई हैं, इसको आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व है आपके पास तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, हमें पेज डिटेल्स दी गई हैं, वो हमने एंट्री की हैं, उसमें आप देख सकते हैं, और 20 सेंटीमीटर डॉट के बाद एक और हाइफन लगा है, डैश जिसको कहते हैं, फिर देखिए आप ब्रैकेट में हम सीरीज की एंट्री कर रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीरीज सेमी कॉलन नंबर डॉट 75, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके नीचे हमारा आ गया 5994, ये डिटेल में दिया गया है, फिर जो हमारा नोट्स आईएसबीएन ट्रेसिंग सेक्शन है उसमें नंबर 1 डॉट काउंसलिंग दिया गया है, क्योंकि रीडिंग्स इन गाइडेंस जो है काउंसलिंग से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए आप रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है हैंस जेम्स ए, सेकेंड में माल्था जेम्स एल, और हमारा जो आएगा थर्ड में टाइटल, और फोर्थ में जो रहेगा सीरीज़ की एंट्री, ये सब एंट्रीज हम बनाएंगे, ये सब हमारी एडिट एंट्री रहने वाली है। तो एक एंट्री हमने देखी, अब एडिट एंट्रीज होती हैं एडिशनल एंट्रीज, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट की एंट्री कर रहे हैं तो इसका कार्ड जो बनेगा, कार्ड बना के इसमें हमें ऊपर मेंशन कर देंगे एडिट एंट्री ये सब्जेक्ट की है, ताकि जो चेक करने वाले हैं उनको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें हमने काउंसलिंग वर्ड लिया है, क्योंकि रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस है तो काउंसलिंग से रिलेटेड वर्ड टाइटल जो है रेफर हो सकता है, तो बारके जॉन ही सेम पैटर्न में। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम टाइटल लिखते हैं जैसे नेक्स्ट में, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रेस्ट एज इन मेन एंट्री, बहुत ही सिंपल होता है ये CR2 की कैटलॉगिंग, आप देखेंगे दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हम बनाएंगे ये है ज्वाइंट ऑथर की, ज्वाइंट ऑथर की इसलिए क्योंकि ऑथर जब एक से ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से हम इसमें एंट्री बनाएंगे। तो ये हमारा तीसरा कार्ड रहेगा, इसमें बारके जॉन ई लिखा हमने, और ये रीडिंग्स इन गाइडेंस रेस्ट एज इन मेन एंट्री, और आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने जो टॉप में लिखा है जो हमारे दूसरे राइटर हैं हैंस कॉमा जेम्स ए, और नीचे बारके जॉन ई, यानी कि हमने कार्ड की जो ऊपर एंट्री लिखी है जॉइंट ऑथर, तो हमने जॉइंट ऑथर लिख दिया, और नीचे हमारा वही सेम रहता है रीडिंग्स इन गाइडेंस और ब्रैकेट में रेस्ट एज इन मेन एंट्री। तो ये हमारा तीसरा कार्ड हो गया। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कोई डाउट या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जब वो आंसर शीट देते हैं तो ये कार्ड का फॉर्मेट प्रिंट रहता है, हमें केवल एंट्री लिखनी होती है। अगर नहीं भी है आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जब एग्जामिनेशन होंगे तो आप इस फॉर्मेट में, आपको लेंथ और विड्थ पता है, आप वैसा ही मार्क करके आप इसको बनाकर एंट्री भी बना सकते हैं। तो अब देखिए ज्वाइंट ऑथर में दो ऑथर के नाम लिखे, इसमें तीन थे लेखक लेखक के नाम, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जो है माल्था, माल्था जो है इसमें हमने माल्था थर्ड राइटर का नाम ऐड किया, तो दो दो सेपरेट, यानी मेन राइटर तो हैं साथ में, हम ज्वाइंट ऑथर की एंट्री बना रहे हैं, तो ज्वाइंट ऑथर की दूसरी एंट्री है, यानी कि टोटल कार्ड हो गए चार। पांचवा देखते हैं, हम एडिट एंट्री में हैं, हम टाइटल की एंट्री बना रहे हैं, टाइटल जिसकी एंट्री होती है वो हमारा मेन फर्स्ट जो रो होता है वहाँ पे एंट्री आएगी। तो इसमें देखिए आप बारके जॉन ई हैं रीडिंग्स इन गाइडेंस, और हमारा जो मेन है रीडिंग्स इन गाइडेंस जो लास्ट में भी दिखा आपको, ये हमारा टाइटल है, तो इसको हमने टाइटल एडिट एंट्री बताया है, जो हमारा टाइटल दिया गया था रीडिंग्स इन गाइडेंस ऊपर नीचे राइटर का नाम सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ इंडेंशन से, और जो टाइटल का है वो सेकंड लाइन इंडेंशन से लिखा हुआ है, नीचे सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेशन नंबर कॉल नंबर ये सब चीज़ें सेम रहेंगी।
और अब इसमें एक डिटेल एक्स्ट्रा दिया था सीरीज के लिए, तो हम एक एंट्री सीरीज की बना देंगे। यानी कि ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में रहेंगी, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट, टाइटल, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप लोग इस तरह की एंट्री बना देंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बार के जॉनी, हम सीरीज़ की एंट्री की बात कर रहे हैं, तो सीरीज़ का जो डिटेल है ये हमारा इसमें मेन डिटेल रहने वाला है। जैसे कि देखिए, सेकंड लाइन ऑफ इंटेंशन टॉप में, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सीरीज, इसको हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करके लिख देंगे। नीचे से हम राइटर का नाम, उसके नीचे रीडिंग्स इन गाइडेंस, रेस्ट इन मेन एंट्री। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो लाइक करने से बिल्कुल झिझकिएगा नहीं, और हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियोस है या कोई क्वेश्चन है जो डिमांड में है, उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर लर्निंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।